गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ. और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने सेशन की, तो सेशन में बने रहिए. अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. और ये हमारा क्या है, हमारा ये सेट फाइव है, ठीक है? तो सेट फाइव में धूम मचाते हैं. हार्टलेस जेबात, गुड मॉर्निंग. चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की. और सेशन में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं देखते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आपको मेरा इंट्रोडक्शन पता है. स्टैटिक पर थोड़ा और फोकस कीजिए. एसएससी टॉप पर बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं. स्टैटिक पर कल से हम मतलब मंडे से स्टैटिक की बात भी हम करेंगे अच्छे से, ठीक है? चलिए, बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन की बात करें. हमारा प्लस कोर्स 5 अगस्त से लॉन्च हो रहा है. और आप चाहें तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. हमारा 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. और हमारे 12 मंथ की बात करें तो उसकी फीस है 5,000 रुपीज. और ये मेरा कोड है. अगर आप इस कोड को फॉलो करते हो, इस कोड से आप एडमिशन लेते हो, तो आपको इस कोड से बेनिफिट मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कोड किसी को रेफर भी कर सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस, और बात करते हैं अपने हम सेशन की. और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहां पर आ चुका है. विथ रेफरेंस टू बैंकिंग, द 15th डे ऑफ द मंथ इज नोन एज. तो अगर हम बैंकों की बात करें, तो बैंकों में हर 15वां दिन कौन से दिन के रूप में जाना जाता है, यह आपसे पूछा गया है. 15वां दिन याद करिए, आंसर दीजिए. तो एक क्वेश्चन आपके सामने गाइस, और आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर होगा? सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा. पहला क्वेश्चन, अभी तक आंसर नहीं आया है किसी का. आंसर क्यों नहीं आया जी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कस्टमर डे. तो कस्टमर डे सेलिब्रेट किया जाता है, कस्टमर डे हर 15वें तारीख को. रेफरेंस टू द बैंकिंग, द 15th डे ऑफ द मंथ इज नोन एज कस्टमर डे. तो यहां पे कोई कमेंट नहीं आ रहा है किसी के. आप लोग हैं ना यहां पे सब लोग? चलिए, हाँ चलिए, हैं बच्चे, हैं ठीक है, कमेंट आना शुरू हो गए. ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. कल हम इसकी बात कर चुके हैं, कल हम इसकी बात कर चुके हैं, याद करिए आप लोग. व्हाट इज द लॉक इन पीरियड फॉर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस मतलब जो हमारा है, इसकी लॉक इन पीरियड कितनी होती है? ये एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल है. मैंने आपको बताया था कि अगर इस स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप अपना 1.5 लाख रुपीस टैक्स बचा सकते हो हर साल. तो इसका लॉक इन कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है. इसका आंसर क्या होगा? कल हम बात कर ही चुके हैं इस पर. तो इसका आंसर होगा आपका 3 ईयर. तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. हम बात कर रहे हैं 3 साल. तो ईएलएसएस एक तरह का म्यूचुअल फंड है. इसका फुल फॉर्म क्या है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. कल हमने इसके एब्रीविएशन की बात की थी. 3 साल इसका लॉक इन पीरियड चलता है. ठीक है, वेरी गुड स्नेहा, बहुत अच्छे बच्चे. चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज करेंटली यूज्ड इन इंडिया टू इशू नोट्स. तो हमारे देश में जो करेंसी इशू होती है, वो किस सिस्टम पर इशू होती है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, देख लीजिए और आपको इसका राइट आंसर चूज करना है. हमारे देश में करेंसी इशू करने का सिस्टम, देखिए अगर आप एग्जाम या अपने कंटेंट की बात करेंगे, तो देखिए आंसर आपका जो आप देंगे वो सही देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली राइट नाउ अभी वो इस सिस्टम को, इस मेथड को फॉलो नहीं किया जाता है. लेकिन फिलहाल कंटेंट में हमें जो पढ़ाया जा रहा है, हमें वही आंसर देना है. इसका आंसर क्या होगा बच्चे? आंसर देना है मयंक, 15वां दिन. ठीक है, एंड द राइट आंसर इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम. तो हमारे देश में करेंसी इशू करने का जो सिस्टम है, वो क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम. और मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब क्या है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको, ताकि आप समझ लें. देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नियम है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नई करेंसी प्रिंट करनी है, तो उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ रिजर्व होना चाहिए. और मिनिमम रिजर्व कम से कम होना चाहिए 200 करोड़ रुपीज का, 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपीज का. और इस 200 करोड़ रुपीज में से इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे. 115 करोड़, 115 करोड़ रुपए का कम से कम गोल्ड होना चाहिए आरबीआई के पास, ठीक है, और कम से कम 85 करोड़ रुपीज का
फॉरेक्स होना चाहिए। तो इस रेशियो की, फॉरेक्स का मतलब विदेशी मुद्रा सिक्योरिटीज ये सब, तो अगर ये रेशियो होगा तभी हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी प्रिंट कर सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है हमारे देश में, ठीक है। चलिए ये पॉइंट हो गया हमारा, हम आगे बढ़े और नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। If one is not satisfied with the decision passed by the banking ombudsman, one can approach the appellate authority too. यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंकिंग ऑम्बिट्समैन का अपेक्स पॉइंट कौन होता है। अपेक्स का मतलब अगर बैंकिंग लोकपाल ने आपके अगेंस्ट में अपना डिसीजन दिया तो आप अपनी कंप्लेन को किससे कर सकते हैं आगे, ये आपसे पूछा गया है और आंसर भी आ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, कहीं ऑप्शन में है, जी हां डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि बैंकिंग ऑम्बिट्समैन का अपेक्स पॉइंट कौन होता है सबसे ऊपर, तो डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। लेकिन ध्यान रहे जिस दिन बैंकिंग ऑम्बिट्समैन आपके अगेंस्ट में डिसीजन देगा आपके पास केवल 30 डेज होते हैं, केवल 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी कंप्लेन डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास क्लेम करनी होती है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेशन को लाइक करिए जी, आधा रेशियो चल रहा है, लाइक करो सब लोग। चलिए आगे बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज पीएफएमएस, तो एक एब्रीविएशन का क्वेश्चन है ये, पीएफएमएस का पहले आंसर दीजिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये पीएफएमएस होता क्या है, तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पीएफएमएस, आंसर एब्रीविएशन का क्वेश्चन है, ये होता क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए जल्दी से। कविता बोल रही है बी ऑप्शन मींस पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या ये सही आंसर है, और देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसका आंसर क्या है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पीएफएमएस स्टैंड फॉर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये होता क्या है इसके बारे में बात कर लें, इनका काम क्या होता है। आप लोगों ने ये सुना है नाम डीबीटी, नाम सुना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके अकाउंट में डायरेक्टली डालती है उसे हम क्या बोलते हैं, डीबीटी बोलते हैं। केवल सब्सिडी नहीं, स्कॉलरशिप होता है बेटा, पेंशन होता है, डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके आधार कार्ड के आधार नंबर के थ्रू आपका पैसा आपके अकाउंट में डालती है, फॉर एग्जाम्पल गैस सिलेंडर की सब्सिडी। तो इन सबको मैनेज कौन करता है, इन सबको मैनेज पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। तो ठीक है डीबीटी याद रखना इस चीज को, ठीक। तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीटी के लिए काम करता है ये, ठीक। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द बैंकिंग ऑम्बिट्समैन मे अवॉर्ड, कई बार मैं आपको समझा चुका हूं, मे अवॉर्ड कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग दिस अमाउंट to the complaint only in the case of complaint relating to the credit card or harassment. तो अगर किसी पर्सन ने बैंकिंग ऑम्बिट्समैन में कंप्लेन किया है, कंप्लेन रिगार्डिंग टू क्रेडिट कार्ड है या कंप्लेन रिगार्डिंग टू मेंटल हैरेसमेंट है, तो उस केस में बैंकिंग ऑम्बिट्समैन जो अवार्ड देगा वो मैक्सिमम कितने अमाउंट का होगा। अवार्ड का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आज जो भी अपने फैंस की वजह से हूं, अवार्ड का मतलब कंपनसेशन अमाउंट को अवार्ड बोलते हैं। आंसर दीजिए, और यहां पर बच्चे आंसर दे रहे हैं 1 लाख बोल रहे हैं, क्या 1 लाख सही आंसर है, क्या सही आंसर है, जी हां 1 लाख रुपए बिल्कुल सही आंसर। तो बैंकिंग ऑम्बिट्समैन में मेंटल हैरेसमेंट का केस हो या क्रेडिट कार्ड, मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपए का ही अवार्ड मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा, और नॉर्मल केस में 20 लाख रुपीज, याद है ना, पढ़ाया ये सब मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज बीन डिजाइंड बाय एनपीसीआई फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, हमने पीएफएमएस की बात की थी, तो अभी क्या बोला गया है कि एनपीसीआई, देखिए कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया था, आज मैं पूरा बता दूंगा। तो पहले क्वेश्चन का आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं ये देखिए, फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए यहां पर महिमा ने बोला है बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, अच्छा। सोना बोल रहे हैं एपीबीएस, गीतांजलि यूपीआई कैसे हो जाएगा जी, और एईपीएस, देखिए इसका आंसर क्या होगा, एईपीएस ऑप्शन में नहीं, कौन है ये महानुभाव है,
अच्छा डिलीट कर दिया किसी ने, चलो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा APBS, फुल फॉर्म क्या है, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। देख लीजिए कैसे होता है, देखिए ढेर सारे कस्टमर हैं, ढेर सारे कस्टमर हैं, इनका क्या है, इनका बैंक में अकाउंट है, इनका बैंक में अकाउंट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि आपके अकाउंट में हम सीधे पैसा डालेंगे थ्रू डीबीटी। तो ये कैसे काम होता है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आपको अपना आधार कार्ड इसमें यहां पर रजिस्टर्ड करना होगा, फिर क्या होता है कि आपके जो भी आधार नंबर्स हैं वो बैंक ट्रांसफर करता है किसको, वो बैंक ट्रांसफर करता है एनपीसीआई को, ठीक है। एनपीसीआई ने आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम बनाया है जहां पर आपके आधार कार्ड का एक डेटाबेस रेडी हो जाता है और ये आपके आधार कार्ड का डेटाबेस है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी अमाउंट देना होता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 5 लाख करोड़ रुपीस टोटल पूरा किया है, हमें सब्सिडी बांटनी है डीबीटी में, तो ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनपीसीआई को दे देगी, एनपीसीआई ये पैसा सिस्टम में डालेगा और आपके आधार नंबर के हिसाब से पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम बोलते हैं, पैसा ऐसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर हो तो यस करिए, नहीं क्लियर हो तो नो करिए, बट नहीं क्लियर होने वाला पॉइंट इसमें नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। कमेंट करते रहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है फिलहाल, लेकिन मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो पॉइंट क्लियर हुआ था कि नहीं क्लियर हुआ था, क्लियर हो गया था प्रियंका, ठीक है, सुरभि, अंकिता, ठीक है, ठीक है, गीतांजलि प्रांजल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेक इज नॉट ऑनर्ड बाय द बैंक। तो ऑनर्ड का मतलब क्या होता है, ऑनर्ड का मतलब होता है कि बैंक आपको क्या लिखा है, नॉट ऑनर्ड। नॉट ऑनर्ड को हम एक वर्ड से और यूज कर सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिसऑनर। तो ऐसा कौन सा चेक है बैंक जिसको आप पेमेंट नहीं करता है, मना कर देता है, ठीक है, डिसऑनर, या तो डिसऑनर बोलिए या तो नॉट ऑनर्ड बोलिए, मतलब बैंक इस चेक का पेमेंट नहीं करेगा। आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा, अरे सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टेल चेक। दोस्तों स्टेल चेक का मतलब क्या होता है, अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट After the 3 month from the payment date is called stale check। मतलब आपने देखा होगा कि अगर हम एक चेक की बात करें तो इस चेक पर यहां पर लेफ्ट राइट हैंड अपर कॉर्नर पर डेट लिखी होती है। तो अगर मैंने कोई चेक मान लीजिए बनाया, किसके नाम पर बनाया, मैंने कोई चेक मोहित के नाम पर बनाया और आज डेट कितनी है, आज 3 अगस्त है, मैंने 3 अगस्त 2019 लिखकर दे दिया, तो मोहित के पास टाइम है कि ये 3 अगस्त से 3 सितंबर, 3 सितंबर से 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर से 3 नवंबर, इनके पास 3 मंथ होते हैं पेमेंट के लिए, और अगर 3 मंथ ये बिता देते हैं उसके बाद जाते हैं तो मतलब चेक खराब हो गया और बैंक इसका पेमेंट नहीं करेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टेल चेक। एक चेक और होता है, सुन लीजिए, एक चेक और होता है उसके बारे में बात कर ले, बैंक एक और चेक का पेमेंट नहीं करता, उस चेक को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं म्यूटिलेटेड। मान लो भाई स्टेल ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे, म्यूटिलेटेड चेक भी ऐसा चेक होता है जिसका पेमेंट बैंक नहीं करता है, और बैंक इसका पेमेंट क्यों नहीं करता है, यह भी क्या होता है, डिसऑनर होता है, क्यों होता है वो समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि चेक पर आपने कुछ वो कुछ कहते नहीं, कट्टम कुट्टम कर दिया, कुछ जुजू बना दिया, कुछ लोग के शौकीन होते हैं, लाइक प्रांजल लिख रहे हैं कुछ भी कागज पर अपने दिल के अल्फाज, और वो कुछ मिलाने चेक पे लिख दिया, चेक पर आपने कुछ गिरा दिया, गंदा कर दिया, भद्दा कर दिया, तो बैंक उसका पेमेंट नहीं करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटिलेटेड चेक। तो बैंक दो तरह के चेक को ऑनर नहीं करता, एक स्टेल और एक म्यूटिलेटेड, याद रखिएगा, ठीक है। म्यूटिलेटेड में सब कुछ आ जाता है, कटा फटा हो गया आपका, गंदगी हो गई, आपने कुछ उस पर लिख दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। दोस्तों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, IIN नंबर दो होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर और एक होता है इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेकिन आपसे पूछा गया है इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो IIN नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटा इंस्टीट्यूशन और एक होता है इश्यूअर। योगेश चौहान बिल्कुल सही, समझ रहा हूं बेटा, मैं समझ रहा हूं। मनन क्रॉस चेक क्या होता है आगे बताएंगे, अभी चेक पर क्वेश्चन और भी है हमारे पास।
देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए ये जो इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर है और जो इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर है, दोनों सिक्स डिजिट के होते हैं, दोनों सिक्स होते हैं। अंतर क्या होता है, जो आपका इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आपके पास डेबिट कार्ड होगा ना, तो डेबिट कार्ड में स्टार्टिंग में जो नंबर्स नहीं लिखे होते हैं, तो पहले जो 6 नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। वो तो अलग चीज हो गई। इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने पिताजी से पूछेंगे तो शायद उनको मालूम रहेगा। जब आप डीबीटी में कोई बेनिफिट लेते हो, मान लीजिए मुझे अपना अकाउंट आधार कार्ड से मैंने लिंक कर दिया और मुझे मेरे अकाउंट में डीबीटी चाहिए, तो होता क्या है, जो ये इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये एनपीसीआई जो है, ये एनपीसीआई देता है आपके बैंकों को। ये आपको नहीं मिलता एग्जैक्टली में, ये मिलता है आपके बैंक को, ये मिलता है आपके बैंक को, और सिक्स होता है, सिक्स डिजिट होता है। तो अगर एनपीसीआई ने आपके बैंक को ये सिक्स डिजिट का आईआईएन नंबर दे दिया, तो इसका मतलब कि इस बैंक में जो भी कस्टमर हैं, जो भी मतलब चाहते हैं कि अकाउंट में पैसा है, जिन्होंने आधार कार्ड लिंक किया है, उनको पैसा मिल जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर ये कस्टमर के लिए नहीं होता, ये कस्टमर के बैंक के लिए होता है, जो एनपीसीआई और कस्टमर का बैंक आपस में शेयर करते हैं फॉर डीबीटी, ये डीबीटी के लिए। और जो दूसरा मैंने बोला इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपके डेबिट कार्ड का नंबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। नहीं एंटी क्यों डिसऑनर होगा जी, नहीं होगा, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, कमेंट करें यस और नो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं फिर से, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ। इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर एनपीसीआई टू बैंक कोड शेयरिंग है, और इश्यूअर अलग चीज है, वो डेबिट कार्ड पर होता है, वो हमारे लिए होता है। मेनू ठीक है, महिमा प्रपेश मार खाओगे, 10 o'clock पे क्लास हमारी शुरू होती है ना, चलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। पीपीआई स्टैंड फॉर एब्रीविएशन का क्वेश्चन है, एक दिन मैंने करंट अफेयर्स में ये पढ़ाया भी था, इसका आंसर क्या हो। हाँ आईएन नंबर जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की को एक मिल गया, मतलब ब्रांच वाइज होता है, जैसे मिर्जापुर के एसबीआई का आईएन नंबर कुछ और होगा, लखनऊ के एसबीआई का आईएन नंबर कुछ और होगा, लास्ट के 2 जीट चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या है, साइट प्लीज। अच्छा प्रियंका जी आदेश दे, आदेश का पूरा पालन होगा, मैं इधर ही आ जाता हूं थोड़ा सा। चलिए तो पीपीआई का मतलब क्या होता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे देश में कितने टाइप के मेन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इस पर थोड़ी बात कर ले, हालांकि मैं करंट अफेयर्स में इसे पढ़ा चुका हूं अपने सेशन में, लेकिन फिर भी। तो हमारे देश में 3 तरह के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट मेन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कौन सा आपका, एक होता है, आप एग्जाम्पल आप दोगे, एक होता है आपका ओपन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक, एक होता है आपका क्लोज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, और एक आपका होता है सेमी क्लोज। तो इन तीनों के एग्जाम्पल मुझे आप दीजिए जरा, ओपन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, क्लोज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और सेमी क्लोज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। मनीष मेहनत जारी है, अभी मेहनत जारी है। मोहित बोल रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं सर, बेटा मैं एसबीआई क्लैरिकल का सेट करवा रहा हूं, तो अभी बैंकिंग के क्वेश्चंस चल रहे हैं, इसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होंगे। 3 तरह के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ओपन क्लोज एंड सेमी क्लोज, मुझे तीनों के एग्जांपल चाहिए आपसे। महिमा सेमी क्लोज पेटीएम, ओपन मीनू वेरी गुड डेबिट कार्ड, ठीक है, और क्लोज मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। तुम लोगों ने बिल्कुल मेरा ही एग्जाम्पल रट्टा मार लिया है ना, क्यों, ओला मनी। देखिए आइए फिर जाते हैं, ओपन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके बैंक का जो डेबिट कार्ड है, जो एटीएम कार्ड आपको मिला है, वो क्या है, ओपन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। कैसे, जैसे मान लीजिए आप गए शूज खरीदने, आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है, आपने किसी दुकान से शूज खरीदा, आप डेबिट कार्ड को स्वैप कर सकते हो। आप चले गए मूवी देखने के लिए पीवीआर में, आपको मूवी देखनी है, आप सेम एसबीआई डेबिट कार्ड कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो, ओपन है, ठीक। क्लोज का मतलब हुआ कि दिल्ली मेट्रो, अगर दिल्ली मेट्रो का डेबिट कार्ड, दिल्ली मेट्रो का कार्ड आपने परचेस किया है, उसमें पैसे हैं, तो दिल्ली मेट्रो के कार्ड पर आप केवल दिल्ली मेट्रो में ही यात्रा कर सकते हैं, आप लखनऊ मेट्रो में यात्रा नहीं कर सकते हैं। क्लोज का मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही आपको यूज करना पड़ेगा।
लाइक ओला मनी, ओला मनी आप लोग ओला एप्लीकेशन रखते होगे, उसमें ओला मनी रखते होगे, तो ओला मनी अगर आपके पास है तो आप पेमेंट ओला का कर सकते हो, आप उबर में पेमेंट नहीं कर सकते हो, है ना एग्जांपल उसका भी। सेमी क्लोज का मतलब क्या हुआ, जैसे मोबीविक हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, इनके एप्लीकेशन पे जहां जहां पेमेंट करने की ये छूट आपको देते हैं आप वहीं वहीं पेमेंट कर पाएंगे, एक्चुअली इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेटीएम की बात करते हैं, पेटीएम में आप क्या करते हो, पेटीएम में आप टाटा स्काई का पेमेंट कर सकते हो, एयरटेल लाइव का पेमेंट कर सकते हो, लेकिन अमेजन प्राइम का नहीं कर सकते हो, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो सेमी क्लोज। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। चलिए अब देखो इतने बुद्धिमान है, क्लोज मैंने दिल्ली मेट्रो बोला, तो मैंने कहा और एग्जाम्पल तो कोलकाता मेट्रो। हाँ ठीक है, समझ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे आपके सामने। मॉर्टगेज रिलेट्स टू विच टाइप ऑफ लोन अमंग द फॉलोइंग। मॉर्टगेज, मॉर्टगेज के बारे में बात करते हैं। कल मैं देख रहा था, कल पुष्पक सर पढ़ा रहे थे, तो आप में से कई लोग ये पढ़ रहे थे, अरविंद, शिखा और बहुत सारे बच्चे थे, सोनम थी, तो जरा बताओ क्या समझा आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में। पेटीएम सेमी क्लोज कैसे हुआ अंकिता? पेटीएम सेमी क्लोज इस तरह हुआ बेटा, आप पेटीएम ऐप यूज करते हो ना, तो पेटीएम में जो जो ऑप्शंस आपको दिखते हैं आप उसी उसी ऑप्शन में पेमेंट कर सकते हो, हर जगह पेमेंट नहीं कर सकते हो आप, है ना। तो मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करें, तो मॉर्टगेज का मतलब होता है इमोवेबल प्रॉपर्टी पर लिया गया लोन, और इमोबल प्रॉपर्टी का मतलब जो मूव नहीं कर सकते हैं, जो कहीं पर स्थिर होते हैं, फिक्स असेट होते हैं, लाइक हमारे मकान, हमारे पास जो दुकान है, शॉप्स, अपार्टमेंट, बिल्डिंग्स, समझ गए ना मेरी बात। तो मॉर्टगेज का मतलब इमोबल प्रॉपर्टी पर लिया गया लोन। एग्जांपल क्या होगा, गायत्री जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड यू आर रॉक स्टार। आंसर इज हाउसिंग लोन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहां पे कट्टम पिट्टम हो चुका है तो उस पर फोकस मत करिएगा, हाउसिंग लोन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। हाँ, फोन पे इज अनदर एग्जांपल ऑफ सेमी क्लोज, सेमी क्लोज। ठीक, आइए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, आंसर दीजिए जरा, देखिए क्या क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। यूनिवर्सल बैंक हमारे इंडिया में एचआर खान कमेटी के रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश हुए थे, पहला यूनिवर्सल बैंक था आईसीआईसीआई बैंक। आंसर दे फास्ट, मैं साइड हट जा रहा हूं वरना तुम्हें गुस्सा आ जाओगे। सेशन को लाइक करें, जो भी नए ऐड हो रहे हैं, 80 लोग देख रहे हैं, 59 लाइक है, गलत बात है। चलिए आंसर दीजिए, जो मैंने आपसे पूछा यहां पर, यूनिवर्सल बैंक का मतलब क्या होता है, पहला बैंक कौन सा था, आईसीआईसीआई बैंक, कमेटी कौन सी थी, एचआर खान कमेटी। और इसका आंसर आना शुरू हो गया, बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन बी होगा ना, ऑप्शन, प्रांजल ध्यान से देखो बेटा, प्रोविजन ऑफ ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज इन वन बैंक, डी में क्या लिखा है जी, प्रोविजन ऑफ ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज एट एनी ऑफ द काउंटर ऑफ अ ब्रांच। एनी ऑफ द काउंटर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ बैंक लिखा है ना, नहीं मतलब बैंक के बात करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि आईसीआईसीआई बैंक के मिर्जापुर ब्रांच जो है वो यूनिवर्सल है, वो मुंबई यूनिवर्सल नहीं है, ऐसा नहीं होता ना, पूरा बैंक को ही मानते हैं। तो प्रोविजन ऑफ ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज इन वन बैंक मतलब एक ऐसा बैंक जो आपको सारे के सारे फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है मेरे ख्याल से, इस पर कोई डाउट तो नहीं है मेरे ख्याल से। आज के टाइम पर सारे बैंक यूनिवर्सल बैंक हैं, आज के टाइम पर सारे बैंक यूनिवर्सल, आप बंधन बैंक या किसी और बैंक में कंफ्यूज मत होइए। पहले क्या होता था, पहले बैंक कहां इंटरनेट बैंकिंग करते थे, कहां कुछ करते थे, पहले केवल लोन डिपॉजिट चलता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिए फास्ट। द एम्प्लॉई ऑफ द बैंक वेंट ऑन स्ट्राइक एंड व्हेन इट कम्स टू रिस्क, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो अगर हम बात करते हैं कि किसी बैंक के जो एम्प्लॉई हैं वो अगर चले गए स्ट्राइक पर, तो बैंक के लिए कौन सा रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, एम्प्लॉई रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, या सिस्टमिक रिस्क है। आंसर दे फास्ट। आरआरबी यूनिवर्सल बैंक में नहीं आएंगे जी, सब बैंक का मतलब यह था मेरा कि जो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक, बेसिकली जो आपके अर्बन एरियाज में आपको मिलते हैं,
अंकिता पूछ रही है ऑपरेशनल, महिमा बता रही है ऑपरेशनल, योगेश बता रहे हैं ऑपरेशनल, क्या इसका आंसर होगा जी? इसका आंसर होगा ऑपरेशनल। क्यों? क्योंकि बैंक का एम्प्लॉई अगर जा रहा है स्ट्राइक पर तो वो हो सकता हो कि बैंक के इंटरनल पॉलिसीज से खुश ना हो, और ये मैटर तो इंटरनल हो गया ना, तो जो भी इंटरनल मैटर होता है वो हमेशा क्या होता है? ऑपरेशनल होता है। तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, याद आपको आराम से हो जाएगा, ठीक है। सिस्टमिक रिस्क का मतलब क्या होता है कि जब पूरा का पूरा मार्केट एक साथ क्रैश हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, है ना। मार्केट रिस्क का मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। क्रेडिट रिस्क का मतलब ये जो बैंकों में एनपीएस बढ़ते हैं, ये सब पता ही है आपको। चलिए, जितेंद्र तिवारी थैंक यू सो मच, यू आर रॉकस्टार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है और आंसर देना काम है आपका, आंसर आपको देना ही पड़ेगा। अ चेक विच इज पेबल टू एनी पर्सन हु प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट एट द बैंक काउंटर इज कॉल्ड। यानी कि बोला गया है कि एक चेक जिसको कोई भी लेकर जाए बैंक में, बैंक उसको पेमेंट कर देगा, उसे हम कौन सा चेक बोलते हैं? मतलब मैंने चेक दिया प्रांजल को, प्रांजल से कहां पहुंचा? अरविंद के पास। अरविंद चले गए बैंक, नाम प्रांजल का है लेकिन अरविंद ले आ रहे हैं चेक को बैंक में और बैंक पेमेंट कर रहा है, इस चेक को हम क्या बोलेंगे? यह पूछा गया है। बच्चे आंसर दे रहे हैं, बोल रहे हैं ओपन चेक। देखो ओपन चेक तो ठीक है, लेकिन ओपन चेक में एक ऑर्डर चेक भी होता है। ओपन चेक में दो पार्ट होते हैं ना, एक बेयर चेक एक ऑर्डर चेक। तो ऑर्डर चेक में जिसका नाम लिखा होगा पेमेंट उसी को मिलेगा, तो ओपन चेक इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर बेयर चेक होगा। इसका आंसर बेयर चेक होगा। तो बेयर चेक क्या होता है? देखिए बेयर चेक कुछ अलग नहीं होता है, हम सबको कौन सा चेक मिलता है? हम सबको अगर आप ध्यान से देखना तो हम सबको बेयरर चेक ही मिला होता है। अगर चेक पर यहां पर अगर दो लाइन नहीं खींची है तो ये क्या है? आपका ओपन चेक। और ओपन चेक को ध्यान से देखना तो यहां पर लिखा होता है पे, और यहां पे लिखा होता है और बेयरर लिखा होता है। आप देखना तो और बेयरर का मतलब क्या हुआ कि इस चेक में नाम से मतलब नहीं है। मैंने प्रांजल पांडे का नाम लिख भी दिया तो प्रांजल पांडे अगर ये चेक किसी और को भी दे दे तो बैंक उसको पेमेंट कर देगा, ठीक है, बेयरर चेक। अगर और डीप में जानना है तो मैंने टाइप्स ऑफ चेक की क्लास ली है यूट्यूब पर, आप उसे देख लेंगे तो और ये कॉन्सेप्ट क्लियर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। नहीं प्रपेश, नाम लिखा रहता है बट और बेयरर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका, कई बार मैं एग्जांपल दे चुका हूं। जैसे मिर्जापुर, मैं मिर्जापुर से बिलोंग करता हूं, तो यहां पर हमारी कुछ प्रॉपर्टी है जहां से रेंट आता है हमको, मोबाइल टावर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं था मुंबई में, तो जैसे मान लीजिए कि हमें जो रेंट मिलता है वो चेक पे मिलता है, नाम मेरा लिखा होता है अभिजीत मिश्रा लेकिन लिखा होता है और बेयरर। मैं तो मुंबई में था, तो मेरे पिताजी इस चेक को लेते हैं, जाते हैं बैंक में और कैश करा देते हैं। आप टाइप्स ऑफ चेक देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लड्डू को क्लियर नहीं हुआ शायद, क्या? टाइप्स ऑफ चेक देखिए आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत लंबा मुझे समझाना पड़ जाएगा, फिर टाइम चला जाएगा फालतू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अंडर किसान विकास पत्र। चलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए। एक क्वेश्चन मैंने क्या पूछा? मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अंडर किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में मिनिमम कितने रुपए का आपको डिपॉजिट करना पड़ता है? किसान विकास पत्र में मैक्सिमम कितने का डिपॉजिट करना पड़ता है? एक क्वेश्चन और, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का मिनिमम अमाउंट एंड मैक्सिमम अमाउंट दोनों मुझे बताइए आप लोग। इसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का मैक्सिमम अमाउंट मुझे आप बताइए, उस बताना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना का मिनिमम अमाउंट मुझे आप बताइए। इतने सारे आंसर मुझे आपसे चाहिए। तो यहां पर बच्चे बोल रहे हैं ₹500 मैंने पढ़ा। आप लोगों ने मेरा अभी तक शायद स्मॉल सेविंग स्कीम का वीडियो नहीं देखा है, एग्जाम से पहले देखकर जाइएगा जरूर, मैं फिर से बोल दे रहा हूं आपसे, ठीक है। किसान विकास पत्र में मिनिमम जो पैसा आपका है, मिनिमम मैं दिखा दे रहा हूं, मिनिमम ₹1,000। किसान विकास पत्र में मिनिमम ₹1,000 है, मैक्सिमम कोई डिपॉजिट लिमिट नहीं है। किसान विकास पत्र में कम से कम ₹1,000, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। अगर हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की, सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम ₹250 जमा करने पड़ते हैं। अगर हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में मिनिमम आप डिपॉजिट कर सकते हो ₹100, मिनिमम ₹100। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इसका भी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है। अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो इसका मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट कितना है? इसका मैक्सिमम ₹1,500,000 डिपॉजिट लिमिट होता है। ये सारे पॉइंट आप याद करके जाइएगा। इसके अलावा
पीपीएफ की हम बात कर लें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की हम बात कर लें पीपीएफ, तो पीपीएफ में अगर हम बात करें तो इसका मिनिमम कितना है, इसका मिनिमम 500 रुपए है। शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए, पीपीएफ का मिनिमम 500 रुपए एक साल में और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस एक साल में। ये सब याद करके जाइएगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सब देख लीजिए, सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपए मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है। सुकन्या समृद्धि योजना में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है, मिनिमम 250 रुपए है, हालांकि आपके एग्जाम में मिनिमम ही पूछा जाएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में मिनिमम 100 रुपए है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम 15 लाख रुपए है, जो आप यहां पर देख पा रहे हो। पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपए है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है। ये सब याद करके जाइएगा। किससे किससे इनकम टैक्स रिबेट मिलता है मैं ये भी बताया हूं। तो इनकम टैक्स रिबेट आपको मिलता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से और पीपीएफ अकाउंट से मिलता है और सीनियर सिटीजन से मिलता है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आराम से। सुषमा भाई कैसे हो बेटा? पीडीएफ इसका नहीं है, आप वीडियो को देख लीजिए, वीडियो पढ़े हैं मेरे, इसी चरण पढ़े हैं स्मॉल सेविंग स्कीम के नाम से मैंने लिया है बेटा लेक्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स व्हाट इज हॉट कार्ड? तो अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो बैंकिंग में एक टर्म्स होता है हॉट कार्ड। इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, हॉट कार्ड का मतलब क्या है ये आपसे पूछा गया है। मिनू 1000 रुपए, 1000 रुपीज। आप वीडियो देखिए, सब मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो देखकर एग्जाम में जाइएगा, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन क्लैरिकल लेवल पे। सोना में पूछ रहे हैं कि क्या किसान विकास पत्र में टैक्स बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता है बेटा, नहीं मिलता है। सोना बोल रहे हैं स्टोलन कार्ड, महिमा बोल रहे हैं स्टोलन, स्टोलन क्या स्टोलन सही आंसर है। तो जी हां, अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है उसे हम हॉट कार्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आप आराम से देख सकते हो हमारे पास, हमने डिफाइन किया हुआ है आपको, ठीक है। तो हॉट कार्ड का मतलब क्लियर हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। The funds set aside by the banks as fraction to the loans to cover up losses is called. मतलब अगर बैंक किसी पर्सन को लोन दे रहा है तो बैंक के माइंड में भी डाउट होगा कि अगर इस पर्सन ने हमारा लोन वापस नहीं किया तो हम क्या करेंगे। यानी बैंक ये लोन वाला जो रिस्क है इससे बचने के लिए अपने पास कोई ना कोई अमाउंट सिक्योर रखता है, इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपके साथ। वीकली क्वेश्चंस आपके मंडे को होंगे, इस बार मंडे को होने थे बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए थे, बट उसका पीडीएफ मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया था। तो मंडे को जो आपकी क्लास होगी वो वीकली 100 MCQ की क्लास ही होगी आपकी, रिवीजन की क्लास। और इसे हम क्या बोलते हैं, नहीं सुना, इसे हम बोलते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो PCR। अक्सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी बात करता है। और अगर आपको मैं बताऊं तो 2018 के एंड तक जो सरकारी बैंक है इनका PCR 66% तक बढ़ चुका है, ये नोट कर लीजिएगा, 66%, ठीक है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो PCR हम बोलते हैं बेसिकली इसे, ये आपको लर्न करना है, ठीक है, ये लर्न करना है, और सब कुछ नहीं है, और सब गलत चीज है, ठीक। PCR, नॉट CAR, CAR बहुत अलग चीज हो गई, CAR, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे सामने है वो यहां पर है, देखिए। इफ एन अकाउंट होल्डर विदड्रॉ मोर मनी फ्रॉम अ बैंक अकाउंट देन हैज बीन डिपॉजिटेड इन इट देन इट इज, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अकाउंट है जिसमें जितना पैसा होता है उससे ज्यादा पैसा हमको मिल जाता है, वो कौन सा अकाउंट होता है ये आपसे पूछा गया है। अकाउंट प्रपेश बेटा, कुछ हमको भी टाइम दोगे, हमारी भी जिंदगी है। लड्डू कितना बड़ा हो गया मैं उसे देख ही नहीं पाता हूं, सुबह मैं निकलता हूं वो सोता रहता है और रात में पहुंचता हूं तो वो सोता रहता है, मैं उसे देख ही नहीं पाता, थोड़ा अपना भी टाइम दो। मंडे को करवा देंगे ना लाइव क्लास। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है, लेकिन अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो आपको 10,000 रुपीज का ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ओवरड्राफ्ट आपको किस अकाउंट में मिलता है, आप क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट। तो ओवरड्राफ्ट बेसिकली एक तरह का लोन होता है, एक तरह का लोन होता है। आप जब बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हो, करंट अकाउंट, तो बैंक आपके फेम, आपके गुडविल, आपके ट्रांजेक्शन, कितना पैसा आप जमा करो अकाउंट में, बैंक उसके हिसाब से आपके ओवरड्राफ्ट की लिमिट बना देता है। मान लीजिए मेरे ओवरड्राफ्ट की लिमिट 20 लाख रुपए है,
और मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए है, मुझे अचानक से 40 लाख रुपए चाहिए और मेरी लिमिट इतनी है 20 लाख रुपए, तो बैंक ये एक्स्ट्रा 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा और मैं 40 लाख रुपए निकाल सकता हूं ओडी। ठीक है, चलिए चलिए हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, आपके सामने है, देखिए ओवरड्राफ्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ईबीआरडी, तो ईबीआरडी का हेडक्वार्टर कहां पे, ये आपसे पूछा गया है, आंसर आपको देना है। अनित्रा पूछ रही है कि वॉट इज कैश क्रेडिट, सीसी क्या होता है। देखिए सीसी और ओडी में डिफरेंस क्या होता है, दो मिनट में आपको ले रहा हूं और आप रामू कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जनधन अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों एक साथ आपके सामने आ जाए, अगर आ भी गया तो आपको बेस्ट आंसर चूज करना है और बेस्ट आंसर करंट अकाउंट है। ठीक है, तो सीसी क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं उसे। राइट आंसर इज लंडन, लंडन में है। तो सीसी और ओडी में डिफरेंस क्या होता है वो देख लीजिए। देखिए बेटा सीसी, जैसे कि मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो, आप गए बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवाने के लिए, तो आपको दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है ओवरड्राफ्ट और एक मिलता है सीसी। ठीक, तो बेसिकली लोग सीसी का यूज करते हैं ज्यादा, ओडी का यूज बहुत कम करते हैं। ठीक, सीसी में क्या होता है, देखिए जो आपका बैंक में अकाउंट खुला जिसे हम करेंट अकाउंट बोल रहे हैं वो तो है, लेकिन बैंक आपका एक अलग से सीसी अकाउंट भी ओपन कर देता है। ठीक, तो जिस तरह से आपके ओडी की लिमिट होती है ना, बैंक वैसे ही आपकी सीसी की भी लिमिट बना देता है। मान लीजिए आपकी सीसी की लिमिट 20 लाख रुपए है, ठीक, तो आप क्या करते हो, आप ओडी बड़े ही रेयर केस में लेते हो, आप हमेशा सीसी लेते हो। मान लीजिए कल को आपको पैसे की नीड पड़ेगी तो आप बैंक से क्या बोलोगे, हमें सीसी चाहिए, तो बैंक 20 लाख रुपए आपके सीसी अकाउंट में जमा कर देगा, आपके पास 20 लाख रुपए पड़ गए। लोन है, लोन पर इंटरेस्ट मान लीजिए बैंक 10% लेता है, बेसिकली लेता है, लेकिन सीसी में क्या होता है, आपके अकाउंट में 20 लाख पड़े हुए हैं। आपने क्या किया, आपने 20 लाख में से 1 लाख रुपए विड्रॉल किए काम करने के लिए, तो जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपके 1 लाख पर लगेगा। आपने 1 लाख रुपए और निकाल लिए, टोटल विड्रॉल कितना हो गया, 2 लाख रुपए। मतलब जितना पैसा आप सीसी अकाउंट से निकालते जाओगे, इंटरेस्ट केवल उस अमाउंट पर लगेगा, ना कि पूरे 20 लाख पर लगेगा। आप जब बैंक से लोन लेते हो, अगर आप बैंक से लोन लोगे 20 लाख रुपए का, तो आपको इंटरेस्ट 20 लाख में देना पड़ेगा, लेकिन सीसी फायदा यह है, यह है कि आपने 20 लाख रुपए सीसी लिया है, लेकिन आपका इंटरेस्ट टोटल 20 लाख पे नहीं लगेगा। जितना पैसा विड्रॉ करते जाओगे आपका इंटरेस्ट उस पर लगेगा, आपने पैसे जमा कर दिए, इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग विच इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग लार्ज पार्ट ऑफ द डिपॉजिट इन रिस्क फ्री असेट्स सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि एक बैंक है, उसके पास जो भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो डिपॉजिट वो इन्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, न कि वो लोन दे रहा है किसी को, क्योंकि अगर वो लोन देगा तो एनपीए का खतरा है, लेकिन अगर यही पैसा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो वहां से फिक्स इनकम उसे मिलती रहेगी। तो बैंकिंग टर्म्स में इस तरह की बैंकिंग को हम क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया। महिमा का आंसर आ गया, गीतांजलि का आंसर आ गया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग का मतलब छोटी सोच वाला, तो बैंक की सोच ही छोटी है। बैंक किसी बिजनेसमैन को प्रमोट नहीं कर रहा है, बैंक एंटरप्रेन्योर को प्रमोट नहीं कर रहा है, बैंक खाली अपना देख रहा है कि उसे लॉस ना हो। नैरो बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, What is the full form of FIMDA? आपके एग्जाम में क्वेश्चन FIMDA पर भी आ चुका है, आंसर दीजिए। FIMDA, FIMDA का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। FIMDA एक तरह का एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके मेंबर हर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, शेयर मार्केट में रहते हैं। इनका FIMDA का वर्क क्या होता है कि बैंक्स जो हैं ये पैसा डेरिवेटिव में, मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करें। ये लोग इनकरेज करते हैं बेसिकली कि पैसा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में आए बैंकों का। तो FIMDA का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, गेम चेंजर वीडियो हमारे यही इस चैनल मिलेंगे आपको, एंड द आंसर इज फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। ये FIMDA का फुल फॉर्म है। FIMDA के बारे, FIMDA का वर्क क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी फ्लक्चुएट एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ऑफ अ कंट्री. देखिए मेरी एक बात समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन का हम आंसर कैसे दे सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन का हम कैसे आंसर दे सकते हैं. एक करेंसी है जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से फ्लक्चुएट हो रही है. फ्लक्चुएट का मतलब डेप्रिशिएट हो रही है. तो ऐसी करेंसी को हम क्या बोलते हैं? ये करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं है. अगर इसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होती तो ऐसा ना होता कि फ्लक्चुएट होती. करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं है, इस तरह करेंसी को हम क्या बोलते हैं? चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सॉफ्ट करेंसी. तो सॉफ्ट करेंसी वो करेंसी होती है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं होती है. जैसे इंडियन रुपीस, बांग्लादेशी टका, ये सब जो करेंसी है हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं. अब चूंकि इसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं है तो इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है. तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सॉफ्ट करेंसी. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 में आपका स्वागत है और आपको इसका आंसर देना है. FCNR account can be opened and maintained as which form? Saving account or current account or term deposit account or recurring deposit account? Answer आपको देना है. FCNR का full form भी आपके exam में पूछा गया है. इसका full form है foreign currency non-resident account. Foreign currency non-resident account. ये total 6 currencies में account खुलता है. वो 6 currency कौन-कौन सी हैं? US dollar, euro, yen, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर एंड पाउंड स्टर्लिंग. ये 6 करेंसी में खोला जा सकता है. किस फॉर्म में, ये आपसे पूछा गया. और अभिषेक कुछ कर सेविंग बोल के हंस रहे हैं, मतलब पता नहीं है. मेहरताज बोल रहे हैं, मल रही हैं टर्म डिपॉजिट. प्रियंका बोलिए टर्म डिपॉजिट. कविता बोलिए टर्म डिपॉजिट. देखिए टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया? एफडी और आरडी बोथ. जी हां बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया. तो FCNR अकाउंट जो है ये या तो एफडी के फॉर्म में या तो आरडी के फॉर्म में खुल सकता है. मिनिमम टाइम पीरियड कितना? तो कम से कम ये खुलता है 1 साल के लिए, मिनिमम 1 ईयर. और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितने का साल के लिए? 5 साल के लिए. तो ये सब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपको लर्न करना है. ठीक है, FCNR का फुल फॉर्म फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट. फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट. ठीक है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 5 ईयर, उसके ऊपर नहीं. प्रपेश बिल्कुल सही आपने इंफॉर्मेशन दी है. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है. देखिए अच्छा क्वेश्चन है. पूछा गया है आपसे इसमें से वो कौन सा ऑप्शन यहां पर होगा. इज अ रिटन कमिटमेंट बाय अ बैंक इशूड आफ्टर अ रिक्वेस्ट बाय एन इंपोर्टर दैट पेमेंट विल बी मेड टू द बेनिफिशियरी प्रोवाइडेड दैट द टर्म्स एंड कंडीशन. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए. आंसर आप दे नहीं पाएंगे तो मैं आपको आंसर दे दूंगा और पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा. अंकिता 6 करेंसी है, यूएस डॉलर, यूरो, येन, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड पाउंड स्टर्लिंग. आंसर आप लोग दे रहे हैं कैसे, इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा ना. इसका आंसर क्या होगा? आंसर तो लेटर ऑफ क्रेडिट है. तो एग्जैक्टली में ये होता क्या है एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. वो बच्चा जो कि नया है, जो नहीं जानता, वो देख ले एक बार इसका मतलब क्या होता है. जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं अरविंद की. अरविंद इंडिया में एक बिजनेसमैन है, अरविंद इंडिया में एक बिजनेसमैन है और अरविंद मोबाइल बनाते हैं, अरविंद मोबाइल बनाते हैं और मोबाइल का स्क्रीन, मोबाइल का जो स्क्रीन है ये परचेस करते हैं शिखा से. शिखा इंडिया के बिजनेसमैन है, शिखा इनको मोबाइल का स्क्रीन देती है, ये मोबाइल का स्क्रीन मोबाइल में लगाते हैं, मोबाइल को बेचते हैं, जब पैसा मिलता है तो ये पेमेंट करते हैं शिखा को. मतलब इनके बीच में उधार का संबंध है, शिखा और अरविंद के बीच में उधार पे काम चलता है. ठीक है, अच्छा अच्छा अरविंद को मालूम चला कि चाइना में एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है मीनू. चाइना में एक बिजनेसमैन है जिनका नाम मीनू और मीनू इनको जस्ट आधे रेट पर ये मोबाइल की स्क्रीन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो अरविंद कहां पहुंचे? अरविंद पहुंचे चाइना मीनू के पास और अरविंद ने मीनू से बोला कि हे मीनू, हमें स्क्रीन तुमसे चाहिए लेकिन पेमेंट हम तुमको बाद में करेंगे. अब मीनू तो चाइना की बिजनेसमैन है और मीनू को लग रहा है कि अरविंद झूठ ना बोले. तो मीनू ने बोला कि नहीं, पेमेंट हमको पहले चाहिए, एडवांस में चाहिए, लेकिन अरविंद के पास पैसे नहीं.
तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मीनू बोलेगी ठीक है एक काम कर सकते हैं, अगर तुम अपने बैंक से, मान उनका बैंक SBI है, अगर तुम अपने बैंक से जो इंडिया में है उससे अगर तुम गारंटी ले आओ तो हम तुम्हें सप्लाई कर देंगे। ठीक है, अरविंद कहां पहुंचेंगे, अरविंद पहुंचेंगे SBI और अरविंद SBI को सारी बातें बताएंगे। अब अरविंद एक बिजनेसमैन है, SBI में इनका अकाउंट है, इन्होंने SBI को काफी प्रॉफिट अर्न करवाया है, तो SBI का भी फर्ज बनता है कि जब अपने कस्टमर को दिक्कत हो तो उसका साथ दें। तो SBI क्या करेगा, SBI इनके नाम पर एक क्या इश्यू कर देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या लिखा होगा, इसमें ये मीनू को बोलेंगे कि हे मीनू, अरविंद हमारे कस्टमर हैं, काफी इनका अच्छा हिस्ट्री है, आप हमारे कहने पर इनको सप्लाई कर दो, सप्लाई कर दो, ये पेमेंट कर देंगे, और अगर इन फ्यूचर पेमेंट ये नहीं कर पाए तो हम करेंगे आपको पेमेंट। अब अरविंद ये लेकर जाएंगे मीनू के पास, मीनू को दे देंगे और मीनू इसके बिहाफ पर अरविंद को सप्लाई कर देगी। इसे हम क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है ओवरसीज, मतलब इंडिया के बाहर जब आप ऐसा कोई बिजनेस करते हो तो वहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज होता है। और अगर इंडिया में ही मान लीजिए आपको यह काम करना है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैंक गारंटी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, बैंक गारंटी। और बैंक गारंटी जब ओवरसीज चली जाएगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलेंगे। आप बोलेंगे सर बैंक ऐसा क्यों करेगा, तो देखिए ये बिजनेसमैन और बैंक के बीच का अपना म्यूचुअल कंसेंट होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि SBI विदाउट एनी सिक्योरिटी LOC इशू कर सकती है, कभी कभी क्या होता है कि SBI पूरा जितने अमाउंट का पेमेंट है उतने के बराबर इनसे सिक्योरिटी लेगी तब देगी लेटर ऑफ क्रेडिट, और कभी कभी होता है 20% 30% कुछ अमाउंट लेकर। तो वो बैंक और बिजनेसमैन के बीच में कैसे रिलेशन है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करते हैं। ठीक, क्लियर? नहीं नहीं यश, PNB के केस में यह नहीं था, PNB केस में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग था, वो अलग चीज होती है। वो क्या होता है, जैसे मान लो कि अरविंद को चाइना के किसी बैंक से उधार लेना है, किसी बैंक से, तो उस केस में SBI लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करेगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो विदेश के, ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है। लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में डिफरेंस है बेटा। मनन, अगर ये हमारे देश में हो रहा होगा ना, जैसे मान लीजिए शिखा ने अरविंद से बोला कि लाओ बैंक गारंटी लाओ, अगर ये विद इन कंट्री होगा तो उसे हम बैंक गारंटी बोलेंगे, नहीं तो फिर हम ओवरसीज में क्या बोलेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, विच कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स इन इंडिया। यहां पे गवर्नेंस का मतलब क्या है, यहां पे हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो 2016 में बना, जिसका काम है हमारे देश के सरकारी बैंकों में टॉप लेवल के एम्प्लॉयज की हायरिंग करना, वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश हुए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सिंपल सा आंसर आपको देना है। शुभजीत, नहीं ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स नहीं होता है, वरना मैं आपको बताता वो। ठीक, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा PJ नायक कमेटी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो PJ नायक कमेटी के रिकमेंडेशन पे बैंक बोर्ड ब्यूरो को बनाया गया था, याद कर लीजिएगा। ठीक है प्रपेश, अपने मन से नहीं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है और इसका आंसर आपको देना है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी ऑफ NBFC। तो NBFC जो होती हैं, जैसे आपने कई तरह की NBFCs को देखा होगा, एक NBFC लोन बांटती है, एक NBFC इंश्योरेंस करती है, एक NBFC लीजिंग करती है, हायर परचेस करती है, इसमें से कौन सा NBFC का प्रकार नहीं है, टाइप्स नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। अब ये ARCs क्या होती हैं, तो ARCs पढ़ने के लिए आपका NPA टॉपिक क्लियर होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो ARC का काम क्या होता है, ये NPA रिकवरी में हेल्प करते हैं, ये कोई NBFCs नहीं है। तो ARC में 100% FDI है, मैंने शायद ये भी पढ़ाया है आपको, तो ये याद कर लीजिएगा। भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्यों नहीं है, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्यों नहीं NBFC है, ये आपके पैसे को डिपॉजिट करते हैं और फिर डिपॉजिट करके ये अपने हिसाब से यहां वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27,
Which term is known as a fixed deposit receipt that is kept with the bank for its safety? मतलब समझिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूं, मैं एक कस्टमर हूं और मेरा क्या है, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक 50 लाख रुपए का एफडी है, 50 लाख रुपए का एफडी है, ठीक है, एफडी है। फिर क्या हुआ, मुझे एसबीआई से लोन की जरूरत पड़ी, मैंने क्या किया, मैंने इस 50 लाख एफडी का जो सर्टिफिकेट है ये बैंक के पास गिरवी रख दिया और बैंक से मैंने लोन ले लिया। तो जो मैं गिरवी रख रहा हूं, तब जब बैंक से गिरवी रखता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा टर्म बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पहले आ चुका है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेफ कस्टडी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सेफ कस्टडी। याद रखना, बहुत सारे बच्चे सेफ डिपॉजिट पे टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है, सेफ कस्टडी इज राइट आंसर। ठीक, अभिषेक कोचकर, कविता, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे 2019। तो नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, हर देशों में अपना डे है, इंडिया में 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को जो नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या थी, ये आपसे पूछी गई है और इसका आंसर आपको देना है। अरविंद ने आंसर दिया, ठीक है, देख लिया आंसर, देख लिया मैंने, अंकिता ने आंसर दिया, प्रियंका भी बोल रही है वही सेम चीज, और इसका आंसर प्रांजल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 29 क्वेश्चन हमारा, देख लीजिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस सीएसआर प्रोग्राम फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इंप्लीमेंटिंग स्टार रेटिंग स्कीम। प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होगा। जी हां मनोज जी, एनबीएफसी मैक्सिमम 60 मंथ तक आपका पैसा डिपॉजिट कर सकती है, एंड द राइट आंसर इज नाल्को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, वेयर वॉज द महात्मा गांधी आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क MGITBP इनॉग्रेटेड विच इज बिल्ड विथ इंडियन असिस्टेंस। भारत की सहायता से ये पार्क बन रहा है, महात्मा गांधी आईटी पार्क, किस जगह पे, ये आपसे पूछा गया, किस देश में ये आपसे पूछा गया, बेसिकली अफ्रीकन कंट्री है ये, और इसका आंसर आना शुरू हो गया, अरविंद ने सही आंसर दे दिया है, प्रांजल ने सही आंसर दिया है, सुदर्शन, रविश कुमार बात हम कर चुके बेटा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कोट डी एवियोर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, बेसिकली ये अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ब्रिटिश जर्नलिस्ट हु वॉज अवॉर्डेड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूके इंडिया रिलेशनशिप इन 2019 यूके इंडिया अवार्ड। हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं और इसका आंसर आपको देना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मार्क चली, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, मार्क चली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आप क्वेश्चन, नेम द इंडियन साइंटिस्ट Name the Indian scientist who has been selected by NASA for its punch mission, मतलब polarimeter to unify the corona and heliosphere mission. तो कौन से scientist को इस mission के लिए चुना गया, ये आपसे पूछा गया, answer आप लोग देना है, and the right answer is Dipankar Banerjee, option number 3 is right answer. Okay, next question, question number 33, who chair the committee of expert on data protection formed by the government of India to study the issues on data protection and frame data protection bill. And the right answer is, जी हां, बी एन श्री कृष्णा, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was conferred with SJFI? SJFI का मतलब Sports Journalist Federation of India Award. तो SJFI medal during the annual general meeting of Sports Journalist Federation of India
2019 that held in Ahmedabad, Gujarat. जल्दी से आंसर दीजिए. समीर वर्मा नहीं जी. प्रकाश पादुकोण ऑप्शन, प्रकाश पादुकोण ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. Who was appointed as the chairman of Microfinance Institution Network as per the decision taken in its 10th annual general meeting in New Delhi? So, chairman of Microfinance Institution Network. हाँ, दीपिका पादुकोण के फादर. जी जी बिल्कुल. चलिए आंसर दीजिए. आंसर आने शुरू हो गए. एंड राइट आंसर इज मनोज कुमार नाम्बियार. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं जो जुलाई के हैं, मुझे लगे इंपॉर्टेंट तो मैं करा रहा हूं आपको. इसलिए नेम द बिल पास्ड बाय यूएस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20 टू प्रमोट डिफेंस कॉपरेशन विच वुड मेक इंडिया स्टेटस इक्वल टू द यूएस नाटो पार्टनर्स एंड कंट्रीज लाइक इसराइल एंड साउथ कोरिया. तो यूएस गवर्नमेंट ने अभी अपने पार्लियामेंट में कौन सा बिल पेश किया है जो कि इंडिया को यूएस नाटो के बराबर दर्जा देगा, जो कि इसराइल और साउथ कोरिया देशों को मिला हुआ है. उस बिल का नाम क्या है ये आपको बताना है. इस बिल का नाम क्या है ये आपको बताना है. आंसर देना है आपको. और कविता बोल रही है NDAA. अरविंद बोल रहे हैं NDAA. हाँ प्रपेश, बिल्कुल सही आपने बोला. एंड द राइट आंसर इज नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA. देख लीजिए आपके सामने. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. टू विच बैंक AK मिश्रा वॉज अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर. तो ये तो आपको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या देंगे आप लोग. एंड द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. जम्मू एंड कश्मीर राइट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. नेम द डिसीज्ड पॉलिटिशियन हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड राजनीति एक जुबान जीबॉन. हाँ, फॉर विच ही वन आनंद पुरस्कार अवार्ड. And the right answer is Santosh Rana. Option number one is right answer. Next question. Okay. Name the bank which has set up a centralized hub named Centralized MSME and Retail Group for processing retail and micro, small and medium enterprises loans. So, यहाँ पे इसका आंसर आपको देना है. क्या इसका आंसर होगा? आंसर आ रहा है पंजाब एंड सिंध बैंक. ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40th. हाउ मच परसेंट ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज हैव नेवर बीन टू स्कूल इन इंडिया एज पर द यूनेस्को रिपोर्ट स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2019 चाइल्ड चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज. काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सोशल इकोनॉमिकल फिगर्स के ये क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. अरविंद पूछ रहे हैं, बोला 35%. मेहर ताज बोल रहे 27 मैक्सिमम आंसर आ रहा है. एंड राइट आंसर इज 27%. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द मेसोपोटामिया सिटी ऑफ इराक विच वॉज डिक्लेयर एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इट्स आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी. तो यहां पर चार हैं, देख लीजिए. इराक की बात हो रही है, मेसोपोटामिया सभ्यता की बात हो रही है. आंसर दीजिए. बेबीलोन, अरविंद बोल रहे हैं बेबीलोन. और देख लेते हैं, सुरभि वही बोल रही हैं, प्रांजल पांडे भी वही बोल रहे हैं, महिमा भी वही बोल रही हैं. एंड द राइट आंसर इज बेबीलोन. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन वुमेन. यूएन वुमेन की डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुई है ये आपको बताना है.
नजफ तो कविता पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, वो अलग, हाँ वो भी अलग चीज है। एंड द राइट आंसर इज डी, हाँ अनिता भाटिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एज पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। प्रपेश जी बधाई हो आपको। एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज 7.1%। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट योगा इन गोवा। And the right answer is Namrata Menon, option number B is right answer. Next question, which bank has partnered with Honda Motorcycle and Scooter India for providing financing solution for vehicle across the country? Honda Motorcycle और Scooter India से कौन से बैंक ने एग्रीमेंट किया है लोन देगा कस्टमर को Honda Motorcycle और Scooter India की बाइक खरीदने के लिए? आंसर, आंसर क्या होगा इसका देख लीजिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज लॉन्च अ टू व्हीलर लोन नेम्ड सबसे खास लोन? तो कौन सी कंपनी ने टू व्हीलर लोन लॉन्च किया है सबसे खास लोन? चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। And the right answer is L&T, option number C is right answer. ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Name the mobile application has launched by Ayush Ministry recently for in the occasion of Yoga International Yoga Day. ये आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, योगा डे से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा। And the right answer is Yoga Locator, option number B. Yoga Locator, option number B is right answer. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग। तो आप लोगों ने सेशन को देखा, लाइक किया, कल हम फिर, कल संडे है, कल की बात हम देखते हैं, कल कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड आने होंगे तो आएंगे, परसों से हम कोशिश करेंगे कि हमारा करंट अफेयर्स 7 o'clock पर हो जाए और SBI के लिए हमारा जो सेशन है वो 9 o'clock पर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, एग्जाम्स आ गए हैं, वैसे भी IBPS PO की वैकेंसी आ गई है, तो अभी जो पढ़े रहेंगे वो आपको फायदा IBPS में भी आएगा। Thank you so much.